Audio Jungle. So now, students, today I am going to start class 7 science chapter 4 heat. अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्या है कि आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल इन टेलिंग अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रियली हॉट और कोल्ड. यानी स्टूडेंट्स किसी भी चीज को अगर हम टच करें, ठीक है, तो टच करना ये हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल नहीं है, यानी रिलायबल नहीं है, ठीक है. क्योंकि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो हमारा हाथ जल भी सकता है, इसलिए हम जो है, ठीक है, हमारा सेंस ऑफ टच जो है वो रिलायबल नहीं होता है किसी चीज को बताने में कि वो ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडी है. अब स्टूडेंट्स हीट के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, या तो वो हॉट होगी और या कोल्ड होगी, ठीक है. हॉट का एग्जांपल है टी, ठीक है, जैसे चाय पीते हैं हम वो गर्म होती है, आइस जो है बर्फ है वो ठंडी होती है. अब किसी चीज को हम हॉट कब कहते हैं, अगर उसका टेम्परेचर जो है हाई है तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारी हॉट है, ठीक है. अगर उसका टेम्परेचर लो है तो हम बोलते हैं कि वो कोल्ड है, ठीक है. यानी टेम्परेचर के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज कितनी, ठीक है, हॉट है या कितनी कोल्ड है. अब टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट, देखिए टेम्परेचर की डेफिनेशन है, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो जो टेम्परेचर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस के मेजरमेंट को बताती है. डिग्री ऑफ का मतलब है उसके मेजरमेंट को बताती है, ठीक है. अब ये जो है इसका मेजरमेंट हम करते हैं जिस डिवाइस के द्वारा, उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर, ठीक है. तो थर्मोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को नापने के लिए हम जो है थर्मोमीटर का स्टूडेंट यूज करते हैं. अब देखिए कैसे यूज करते हैं, ये है सबसे पहले एक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है. यानी लेबोरेटरी में हम जिस चीज से टेम्परेचर नापते हैं उसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर. इसकी रेंज जो है 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है स्टूडेंट. इससे रिलेटेड ये देखिए दो क्वेश्चन आपके दिए हैं. क्वेश्चन पहला क्या है, द स्टेट द यूनिट इन विच टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर, ठीक है. तो हमें यूनिट बताना है जिसमें हम, ठीक है, कॉमनली टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो वो होता है स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस. क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, उसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस, तो वो होता है स्टूडेंट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. देखिए यहाँ पर हमने उसको लिख रखा है, ये है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट्स, यानी उसका यूनिट लिखना जरूरी है. थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, व्हाट इज द यूजुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो वही आंसर ये है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस. इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. ये इसका देखिए यहाँ पर इसका फिगर बना हुआ है, ये लेबोरेटरी, ठीक है, थर्मोमीटर है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ये क्लिनिकल थर्मोमीटर भी होता है, एक स्टूडेंट होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जिससे हम अपना बुखार वगैरह फीवर है कितना है क्या है उसको हम मेजर करते हैं. तो ये उसका फिगर बना हुआ है. एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखिए यहाँ पे भी इंडिकेटर्स ने किया है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना, ये है देखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है. ये थर्मोमीटर ट्यूब होती है, ग्लास की ट्यूब होती है, इसमें ये मरकरी थ्रेड होता है, ये जो देख रहे हैं आप ये मरकरी थ्रेड है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. तो ये मरकरी थ्रेड ही ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा ये मरकरी थ्रेड भी ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा. अब इसमें क्या है, थर्मोमीटर बल्ब होता है, ठीक है, ग्लास बल्ब होता है, कंटेनिंग मरकरी उसमें होता है, इसमें एक किंक लगी रहती है स्टूडेंट, देखिए ये यहाँ पर किंक है. किंक का काम क्या होता है कि ये मरकरी लेवल को जो है नीचे गिरने से रोकता है, ठीक है. तो अब इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेम द लिक्विड विच इज कॉमनली यूज इन मेकिंग थर्मोमीटर, ठीक है. तो ये होता है मरकरी, ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स,
आगे क्या, व्हाट प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल इन द ग्लास ट्यूब ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर फॉलिंग ऑन इट्स ओन व्हेन इट्स ट्यूब इज रिमूव्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ अ पेशेंट। तो इसमें जो है जो चीज होती है, जो मतलब उसके थर्मोमीटर के टेम्परेचर को नीचे नहीं गिरने देती, उसको हम बोलते हैं किंक, KINK, ये होती है स्टूडेंट, किंक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ थर्मोमीटर विच हैज अ टेम्परेचर रेंज। तो ये स्टूडेंट हमारा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अभी अभी हमने पीछे देखा लेबोरेटरी, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने उसको बना रखा फिगर, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। फिर है फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये होता है हमारा क्लिनिकल, ठीक है, अभी हमने पीछे आपको उसका फिगर दिखाया था, तो ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। 7 क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज यूजुअली टू टेम्परेचर स्केल मार्क ऑन इट्स ग्लास ट्यूब, नेम दिस टू टेम्परेचर। तो एक होता है डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, तो रेंज ऑफ जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, तो अब इसका जो स्टूडेंट्स रेंज होता है, ठीक है, अच्छा क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हाट इज द रेंज ऑफ इन फ़ारेनहाइट स्केल में हमें बताना है कि इसका रेंज कितना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू, ठीक है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इतना होता है स्टूडेंट्स ये, ठीक है, फ्रॉम 35 और उसमें डिग्री सेल्सियस में होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में इतना होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दोस थर्मोमीटर व्हिच डू नॉट यूज मर्करी, तो वो इनको बोलते हैं, ये स्टूडेंट बना है यहाँ पर, देखिए फिगर बना हुआ है, ये डिजिटल थर्मोमीटर्स कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं ये, ठीक है, ये होते हैं हमारे डिजिटल, ठीक है, थर्मो, ठीक है, मीटर्स, इनको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मो मीटर्स, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रिकॉशंस है टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, को जो हम यूज करते हैं तो उसमें प्रिकॉशंस क्या होती है, तो देखिए पहला क्या है स्टूडेंट, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, में उसको धोया जाता है यूज करने से पहले और यूज करने के बाद, और फिर उसमें जो मर्करी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, के पास होना चाहिए, यानी 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर इसके बाद रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ अलोंग द लाइन स्लाइट, ठीक है, सीधा उसको पकड़ करके, ठीक है, और फिर इसके बाद पढ़ते हैं, और जो उसका बल्ब होता है हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, उसको आसानी से जो है हैंडल करिए, ठीक है, क्योंकि अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से ये टकरा जाएगा तो टूट जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट, जब उसकी हम रीडिंग लेते हैं तो उसके बल्ब को मत पकड़िए, ठीक है। फिर इसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स, ठीक है, तो एक थर्मोमीटर वो होता है जो एटमोसफियर के टेम्परेचर या वेदर को जो है मेजर करता है, यानी मैक्सिमम कितना रहा डे में, ठीक है, और मिनिमम कितना टेम्परेचर था, जो बताता है टेम्परेचर वेदर, उसको हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यही होगा, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका आंसर लिख दीजिएगा, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। अब ये कुछ इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स कुछ, ठीक है, ये MCQs है जो अभी तक हमने आपको पढ़ा है उसी से रिलेटेड MCQs है। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग, ठीक है, टेम्परेचर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी थर्मोमीटर होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है
द एक्सपेंशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर दिस लिक्विड इज, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मरकरी, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में मरकरी रहता है, डिजिटल में मरकरी नहीं होता है स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, तो कौन कौन से फीचर जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर के होते हैं, ठीक है, तो एक तो इसमें होता है शॉर्ट रेंज भी होती है इसमें, ठीक है, एक होता है शॉर्ट रेंज होता है इसका, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है उसका होता है कंस्ट्रक्शन इन ग्लास ट्यूब, किसमें बना रहता है, ग्लास ट्यूब में बना रहता है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल, किस स्केल में होता है, सेल्सियस स्केल में होता है ये। फिर इसके बाद 63 डिजिटल थर्मोमीटर्स अवेलेबल दिस डे फॉर मेजरिंग टेम्परेचर यूज, ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर्स अवेलेबल दिस डे फॉर मेजरिंग टेम्परेचर यूज, ठीक है, तो उनमें क्या यूज होता है, एल्कोहल, वाटर, मरकरी, तो इनमें से कुछ भी यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाले जो 64, 65, 66, 67 ये क्वेश्चन आपके हैं, ये स्टूडेंट्स हैं हीट ऑफ कंडक्शन से रिलेटेड, तो इनको हम बाद में बताते, पहले आपको उसके बारे में बताएंगे, कंडक्शन के बारे में, ठीक है, फिर इसके बाद हम इनको आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे अब ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरीके से जानते भी हो कि ट्रांसफर ऑफ हीट है क्या, ठीक है। अगर किसी हम आयरन रॉड को अगर स्टूडेंट्स हम गर्म करते हैं, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है ये, ठीक है, कंडक्शन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक आयरन की रॉड है, ठीक है, जो इस स्टैंड से कसी हुई है, ठीक है, यहाँ से हमने उसको, ठीक है, किसी बर्नर की सहायता से इसको हमने गर्म किया, तो जब ये हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हीट क्या होती है कि एक एंड से दूसरे एंड तक चली जाती है, एक एंड से दूसरे एंड तक चली जाएगी, तो ये क्या होगी कि पूरी जो आयरन रॉड है ये गर्म हो जाएगी, तो जिस मेथड के द्वारा ये गर्म होती है उस मेथड को हम कहते हैं स्टूडेंट कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, किस एंड को जाती है, जो गर्म एंड है, ठीक है, उस एंड से जो ठंडा एंड है उसकी तरफ चली जाती है, ठीक है, तो ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया, यानी एक एक्टिविटी हो गई कि हमने इसको कैसे जो है गर्म किया है। अब ये जब गर्म होता है तो इसमें जो वैक्स पीसेस लगे हैं, तो ये बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर भी ये गर्म हुआ, चूंकि वैक्स पीसेस क्या है, पिघल करके गिरने लगेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज गर्म हो गई, जब ये गर्म नहीं थी तो वैक्स पीसेस इस पे वैसे ही चिपके हुए थे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ हीट की, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, देखिए टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स अदर पार्ट और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट, हम इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, अब जो हीट जो है फ्लो होती है वो स्टूडेंट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो होती है। इन अदर वर्ड्स हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू अनदर ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोअर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। अब ये तीन तरीके से हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इन थ्री डिफरेंट वेज, एक होता है कंडक्शन, दूसरा है बाई कन्वेक्शन और तीसरा है बाई रेडिएशन, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हमने लिख रखा, नेम थ्री वेज इन विच हीट कैन फ्लो और ट्रांसफर, ठीक है, तो उसका आंसर ये होगा बाई कंडक्शन, दूसरा बाई कन्वेक्शन और तीसरा बाई रेडिएशन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो यहाँ पर लिखा भी है। अब कंडक्शन क्या है, देखिए कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट और फ्रॉम अ hot material to a cold material in contact with it without the movement of material as a whole, ठीक है, material का movement नहीं होगा, ठीक है, without the movement of material, material अपना ज्यों की तरह fix है,
ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक्टिविटी में आपको बताया आयरन रॉड फिक्स है, लेकिन फिर भी एक सिरे से दूसरे सिरे माने एक एंड से दूसरे एंड तक वो गर्म हो गई है। ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स, ये कहाँ होता है, केवल सॉलिड में होता है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो कंडक्शन है वो कहाँ होता है, केवल सॉलिड में होता है। और देखिए इससे रिलेटेड जानकारी, चूंकि तो आप ये इस चीज को समझ लोगे तो आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे दोगे। द मटेरियल विच ट्रैप एयर सच एज कॉटन, वूल, फर, फीदर्स, फाइबर ग्लास एंड प्लास्टिक फॉर्म आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें क्या होती है स्टूडेंट्स, एयर जो है ट्रैप कर जाती है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर हीट के जो है पुअर कंडक्टर होते हैं। इन अदर वर्ड्स मटेरियल हैविंग ट्रैप्ड एयर इन देम आर एक्सीलेंट इंसुलेटर ऑफ हीट, ठीक है, पुअर कंडक्टर या एक्सीलेंट इंसुलेटर उन्हीं को हम कहते हैं ऑफ हीट। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है, 13 व्हेन वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड इज हीटेड इट्स अदर एंड आल्सो बिकम्स हॉट, सो नेम द प्रोसेस बाय व्हिच हीट फ्लोज इन द आयरन रॉड, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, कंडक्शन हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा कंडक्शन। ठीक है, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच अ फ्लाइंग पैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम द गैस स्टोव थ्रू इट्स बॉटम टू द फूड केप्ट इनसाइड इट, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर कंडक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद ये चीज हमने आपको पहले बता दी, ठीक है, फिर देखिए 15 क्वेश्चन क्या है, व्हेन डज द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट स्टॉप, ठीक है, तो ये ऐसा कब होगा स्टूडेंट्स, जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है, व्हेन डज द फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि फ्लो तभी तक होगा किस ऑन हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर फ्लो होता है, और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है, तो जो फ्लो है, फ्लो ऑफ हीट है वो स्टॉप हो जाएगा, व्हेन द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सेम या इक्वल, जब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, या तो सेम होगा या इक्वल होगा, सेम या इक्वल होगा, तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि अदर नेम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, इसका अदर नेम क्या है, तो इसका अदर नेम जो है वो इंसुलेटर है, ठीक है, क्या है, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसुलेटर्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, तो इंसुलेटर हो जाती है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं पीछे, अब जो हमने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे, हाँ अब इनका हम स्टूडेंट्स, ठीक है, आंसर आपको इनका तो हम बता चुके हैं, अब इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है, चूंकि हमने तीन मेथड देखे थे अभी स्टूडेंट ट्रांसफर ऑफ हीट के, एक कंडक्शन था, ठीक है, और रेडिएशन था, कन्वेक्शन था, तो ये नहीं होगा, कन्वेंशन लिखा है, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, 65 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, तो अब स्टूडेंट ब्रिक भी इंसुलेटर होती, बंबू बांस भी होता है, कार्डबोर्ड भी होता है, ब्रास नहीं होगा, ठीक है, तो ब्रास इंसुलेटर नहीं है, लिक्विड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज, ठीक है, तो मरकरी है, यहाँ पर जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो मरकरी है। द वुलन क्लॉथ्स केप्ट अस वार्म ड्यूरिंग विंटर बिकॉज, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक तो एयर ट्रैप कर जाती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, ठीक है, वूल, वूल क्या है, वूल एक इंसुलेटर है, वूल इज अ कंडक्टर, तो ये गलत है, वूल ट्रैप्स एयर्स, ये सही है, ठीक है, क्योंकि वूल में क्या होती है, एयर जो है ट्रैप कर जाती है, इसलिए ये सर्दियों में हमें, ठीक है, ठंड से बचाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट हो गया,
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करने थे। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट 56 में क्या है, कह रहा है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, द हीट विल, ठीक है, तो आयरन की बॉल है 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनर, तो अब दोनों का टेम्परेचर सेम है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, दोनों का टेम्परेचर जो है सेम है, तो हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल फ्लो फ्रॉम, ठीक है, कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, कोई फ्लो नहीं होगा कहीं से, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर जो है सेम है, ठीक है। तो 57 में क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें कह रहा सम स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन्स आर प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, ठीक है, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, सच पैन्स अपीयर कलरफुल, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, तो इसका यही ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड, ठीक है, तो उसका दूसरा एंड जो है वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है, डज नॉट बिकम कोल्ड, ठीक है, क्योंकि लकड़ी में जो है वुड में कंडक्शन नहीं होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनमें होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं, ठीक है, तो कह रहे दोज मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट, ठीक है। तो अब जो मटेरियल स्टूडेंट्स आसानी से अपने में से हीट को पास होने देते हैं उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है, और जो आसानी से पास नहीं होने देते उनको हम कहते हैं इंसुलेटर ऑफ हीट, ठीक है, ये चीज हमने आपको पहले भी बताई है। द मटेरियल विच ट्रैप एयर सच एज कॉटन, ठीक है, तो व्हेन डज द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ कोल्ड इज स्टॉप, तो ये तो हम पीछे भी आपको आंसर इसका लिख चुके हैं स्टूडेंट्स, ये दो बार आगे देखिए यहाँ पर हमने ये बताया था 15-16 यहाँ थी ये, ठीक है, तो इनके आंसर हम आपको पहले बता चुके हैं। यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, अब इनकी यूज कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए ये होता है पहला द कुकिंग इंटेंशंस आर मेड ऑफ मेटल्स और मेटल एलॉयज, ठीक है, तो इंटेंसिल्स है इसमें जो है ये गलती से लिख गया, द कुकिंग इंटेंसिल्स यानी इंटेंसिल मतलब बर्तन, जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं वो या तो मेटल के बनाए जाते हैं या मेटल एलॉयज के बनाए जाते हैं, द कुकिंग एंड पेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद हैंडल्स मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड, ठीक है, कुकिंग एंड पेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद हैंडल्स, तो इनके जो खाने वाले, ठीक है, और प्रोवाइडेड विद हैंडल्स, ठीक है, इनमें जो हैंडल लगे रहते हैं, ठीक है, वो मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड, या तो प्लास्टिक के बने होते हैं या लकड़ी के। मरकरी मेटल इज यूज इन मेकिंग थर्मोमीटर्स बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, यही मतलब है, क्योंकि थर्मोमीटर में हम मरकरी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ गलत लग गया हमें लगता है, कुकिंग यूटेंसिल्स यहाँ वी आर प्रोवाइडेड विद हैंडल्स, ठीक है, व्हाई डू वी, ठीक है, वी आर वुलन क्लॉथ इन, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है द एयर AIR, ठीक है, तो द एयर ट्रैप्ड इन फाइबर्स ऑफ वुलन क्लॉथ ऑल्सो स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सिंस आवर बॉडी डज नॉट लॉस्ट इट्स हीट वी फील वार्म ऑन वीरिंग क्लॉथ वुलन क्लॉथ इन विंटर, ठीक है, तो हम सर्दियों में जो गर्म कपड़े पहनते हैं उसका रीजन यही है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जो गर्म कपड़े हैं उनमें एयर ट्रैप कर जाती है, ठीक है, और हमारी बॉडी से जो हीट ऑफ फ्लो है वो बाहर की तरफ नहीं होता, यानी सराउंडिंग्स में नहीं होता, इसलिए हमारी बॉडी जो है अपनी हीट को नहीं खो पाती है और हमें गर्मी का अनुभव होता है, यानी हमें ठंड नहीं लगती है, ठीक है।
ठीक है, द फीदर्स ऑफ बर्ड्स कीप देम वार्म एंड कोल्ड वेदर ड्यू टू एयर ट्रैप्ड इन देम। ठीक है, अब जो चिड़ियां होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनको भी ठीक है उनके जो फीदर होते हैं उनमें एयर ट्रैप कर जाती है, तो इसलिए उनको सर्दियों में ठंड नहीं लगती है, या उनको उनके जो फीदर्स है वो गर्म रखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद है कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, ये भी जो है ठीक है हीट ऑफ ट्रांसफर होती है एक तरीके की, लेकिन ये होती है लिक्विड और में और गैस दोनों में होती है। ठीक है, ये लिखा है, देखिए कहाँ होती है, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट्स ऑफ अ लिक्विड और गैस और इट्स कोल्डर पार्ट्स बाय द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड्स और गैस इटसेल्फ। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाई, ऐसे देखिए आप धूप में पानी रखा रहता है तो वो अपने आप गर्म हो जाता है स्टूडेंट। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज द पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैसेस कैन, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया ये। ठीक है, ये है कि लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज द पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैसेस कैन मूव। ठीक है, ये इसमें क्या कर सकते, मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब कन्वेक्शन इन वाटर, वाटर में कैसे होता है, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, सो इट कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाई कंडक्शन, इसलिए ये कंडक्शन के द्वारा अपनी हीट को जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है, वाटर ट्रांसफर हीट बाई द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, तो इसलिए कन्वेक्शन अब कैसे होता, देखिए ये वाटर में है, अब ये स्टूडेंट्स क्या होता है, ये पहले दिया है ये कोल्ड वाटर है। ठीक है, और बीकर कंटेनिंग वाटर, अब स्टूडेंट एक बीकर में जो है वाटर है, यहाँ हमने उसको गर्म किया, तो जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होता है कि जो इस बर्नर के पास वाला जो पानी है पहले ये गर्म होगा, तो गर्म होने पर यहाँ से पार्टिकल ऊपर की ओर जाएंगे, क्या होंगे, पार्टिकल ऊपर की ओर जाएंगे, ये देखिए यहाँ इस तरीके से ये जा रहा है, ये पानी गर्म हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ जाएंगे और जो कोल्ड पार्टिकल है वाटर के वो नीचे की ओर आएंगे, तो इस तरीके से ये प्रोसेस निरंतर क्या होगा, चलता रहेगा, देखिए इधर भी ऐसी जा रही है, ठीक है, फिर ठंडे वाले यहाँ पर उनका स्थान ले लेंगे, तो इस तरीके से ये पूरा पानी गर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया भी, द सर्कुलेटरी मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन द बीकर्स इन विच हॉट वाटर राइजेज एंड कोल्ड वाटर सिंक्स, क्या होगा, हॉट वाटर राइजेज यानी जो गर्म पानी है वो ऊपर की ओर उठेगा और कोल्ड वाटर जो है सिंक अगेन और अगेन नीचे की ओर आएगा, आर कॉल्ड कन्वेक्शन करेंट्स, इनको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करेंट्स। ठीक है, तो वाटर में क्या होता है, कन्वेक्शन करेंट्स बनती है स्टूडेंट, जिसके कारण जो है पूरा पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन है, तो ये कन्वेक्शन है और इन वाटर है। ठीक है, तो ये लिक्विड में होता है और गैसेज में होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 17, नेम द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर विद इन अ लिक्विड और गैस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर है इसका, कन्वेक्शन, यहाँ पर हम लिख देंगे कन्वेक्शन। स्टेट वेदर वाटर इज अ गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट और अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, स्टेट वेदर वाटर इज अ गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, तो बचा क्या, गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो है, वो हो जाएगा गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो इसलिए हमने स्टूडेंट्स उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसके पास लिख रखे हैं, जिससे आप लोग आसानी से सीख सको इस चीज को। अब इसी तरीके से कन्वेक्शन एयर में भी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए एयर भी क्या है, जैसे वाटर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो एयर कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, एयर ट्रांसफर हीट फ्रॉम इट्स हॉटर पार्ट्स टू अ कोल्डर पार्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन बाय मूविंग इट्स एंड।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, नेम द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड और गैस इटसेल्फ, तो इसका भी आंसर क्या है, कन्वेक्शन है, इसका भी आंसर होगा कन्वेक्शन। नेम द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, अब इसमें हमें बताना है नेम द प्रोसेस बाय विच वाटर इन अ बीकर गेट्स हीटेड बाय द, ठीक है, बर्नर कैप्ट बिलो इट, बर्नर होगा, ठीक है, कैप्ट बिलो इट, एयर अबव द कैंडल फ्लेम गेट्स हीटेड, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर क्या है स्टूडेंट, कन्वेक्शन है, दोनों का आंसर क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। ये देखिए हमने इसका फिगर भी बना रखा है, देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर, ये है, ठीक है, तो ये कैंडल है, ये देखिए ऊपर हैंड किए है, तो यहाँ गर्म होगा, साइड में गर्म नहीं होगा, ठीक है, इधर तेजी से गर्म होगा। तो अब इसी तरीके से रूम है, देखिए क्योंकि रूम में हम हीटर लगाते हैं, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स में भी होता है, ठीक है, द एयर इन अ रूम इज हीटेड बाय, ठीक है, कन्वेक्शन करंट्स, हॉट एयर राइजेस, जो जब यहाँ पे हीटर हमने चलाया तो इसके पास की जो एयर थी वो हीट हो जाएगी, अब यहाँ पर जब हीट हो जाएगी तो ये ऊपर की ओर उठेगी, क्योंकि गर्म होने पर ये हल्की होती है, तो ऊपर की ओर उठेगी ये, तो ये कोल्ड एयर में मिलेगी, तो जो कोल्ड एयर होगी वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, वो नीचे की तरफ आएगी, तो वो इस गर्म हीट के संपर्क में आके इस तरीके से पूरा कमरा क्या होता है स्टूडेंट्स, गर्म हो जाता है, ये होता है कन्वेक्शन इन एयर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है, देखिए ब्लोइंग ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, अब आप देखते हैं कि जो लोग समुद्र के पास में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे दो प्रकार की ये जो हवाएं हैं वो चलती हैं स्टूडेंट, एक को हम सी ब्रीज बोलते हैं, एक को लैंड ब्रीज बोलते हैं। अब सी ब्रीज क्या है, देखिए ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, दिन के समय में क्या होता है, जो जमीन होती है स्टूडेंट, ठीक है, वो समुद्र की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होती है, सो द एयर अबव द लैंड गेट्स, ठीक है, तो इसलिए जमीन के पास से जो हवाएं होती हैं, ठीक है, वो ऊपर की ओर उठती हैं गर्म होने के कारण, ठीक है, एंड राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द सी, और समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं जो है वो बहने लगती हैं, ठीक है, तो जेंटल विंड जो है, यानी जो जनरली विंड जैसी चल रही थी वैसी चलती है, तो उसको हम बोलते हैं जेंटल विंड, तो उसको कहते हैं ब्रीज, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज, तो इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, यानी दिन के समय में जब समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं, ठीक है, लैंड की ओर चलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी, तो यहां से आप देख रहे हैं, देखिए ये हॉट और ये कूल, तो हॉट इधर की ओर जा रही हवाएं, तो ये कूल जो है वो इधर की ओर आएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर लैंड ब्रीज में क्या होता है, अब रात के समय क्या होता है, ठीक है, जो समुद्र है वो धीरे धीरे ठंडा होता है लैंड की अपेक्षा, सो द हॉट एयर अबव द सी राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस कॉल्ड लैंड ब्रीज, ठीक है, और रात के समय में क्या होता है, ठीक है, कि लैंड की तरफ से जो हवाएं हैं वो समुद्र की तरफ जाती हैं, क्योंकि समुद्र जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा देर में ठंडा होता है रात के समय, तो ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड, सो द हॉट एयर अबव द सी राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस कॉल्ड लैंड ब्रिज, तो ये स्टूडेंट सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का मतलब, यानी सी ब्रिज जो है वो चलेंगी वो दिन में चलेंगी, और जो लैंड ब्रिज होगी वो रात में चलेगी, ठीक है, तो सी ब्रिज में क्या होता है कि समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं पृथ्वी की ओर चलती हैं, लैंड की ओर चलती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, कि लैंड की तरफ से हवाएं जो है वो समुद्र की तरफ जाती हैं रात में। फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट्स लास्ट है रेडिएशन, ठीक है, तो रेडिएशन में क्या होता है कि जो ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था स्टूडेंट, नेम द टू टाइप्स ऑफ ब्रिज विच बिलो इन कोस्टल एरियाज, तो उसका ये एक सी ब्रिज है और दूसरा है लैंड ब्रिज, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब रेडिएशन में क्या होता है स्टूडेंट, सूर्य से, ठीक है, जो लाइट हमारे पृथ्वी पर आती है, ठीक है, वो रेडिएशन के माध्यम से आती है, यहाँ पर कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है,
ठीक है, यानी वैक्यूम में भी ये जो है ट्रेवल कर सकती हैं। तो रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, इन जनरल द हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाय रेडिएशन। व्हेन वी सिट नियर अ फायर वी फील वार्म ड्यू टू द हीट रेडिएटेड बाय द फायर। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, हीट को रेडिएट करती हैं। अब ये भी देखिए, कोई एक क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विल वर्क, ठीक है, इन एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, इसमें केवल जो है रेडिएशन है, क्या है इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, रेडिएशन होगा। नेम द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। ठीक है, तो इसमें मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, उसको भी हम कहते हैं रेडिएशन। इसका आंसर भी जो है वो रेडिएशन है। ठीक है, स्टेट द मेथड बाई विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ठीक है, इसका भी आंसर क्या है, रेडिएशन। फ्रॉम अ मैन्स हैंड व्हेन प्लेस्ड ऑन अ कोल्ड आयरन वेसल। ठीक है, इसका जो है ये कंडक्शन होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, फ्रॉम अ मैन्स हैंड व्हेन प्लेस्ड ऑन अ कोल्ड आयरन वेसल। ठीक है, तो ये कंडक्शन के द्वारा होगा, ये हो जाएगा कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड ऑन अ कोल्ड आयरन वेसल, ये सॉलिड है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ हॉट लिक्विड टू इट्स अपर कूलर पार्ट, तो ये कन्वेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है स्टूडेंट्स, क्या है, लिक्विड है, कन्वेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। अ पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर फील्स हॉट। नेम द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये रेडिएशन। पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर फील्स हॉट। ठीक है, तो जितनी भी जो है हॉट ऑब्जेक्ट होती है, अभी हमने पढ़ा देखिए, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। ठीक है, तो ये रेडिएशन के कारण होगा, ये किस कारण से हो जाएगा, रेडिएशन के कारण होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 26 जो आपका क्वेश्चन है, ये भी यही है स्टूडेंट। देखिए, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बाय रेडिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा बाय रेडिएशन। 27 के, व्हेन वी स्टैंड नेक्स्ट टू द बर्निंग फायर वी कैन फील द हीट ऑन आवर फेस। नेम द प्रोसेस विच ट्रांसफर, ठीक है, दिस हीट फ्रॉम फायर। तो इसका भी आंसर यही होगा 27 का, ठीक है, बाय रेडिएशन। ठीक है, फिर इसके बाद है 28, इसका क्या होगा, अ हॉट अनटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम फ्लेम कूल्स डाउन बाय ट्रांसफरिंग हीट टू सराउंडिंग्स। नेम द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो 28 इसका भी आंसर यही है स्टूडेंट्स, बाय रेडिएशन। ठीक है, सेम होगा। फिर 29 क्या है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ हीट एंड विच वन इज अ बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है, तो जो डल ब्लैक सरफेस होती है, ठीक है, ये डल ब्लैक सरफेस होती है, ये होती है बेटर। ठीक है, हाँ, डल वाली जो होगी ये हो जाएगी स्टूडेंट बेटर एब्जॉर्बर, ये होगी, ये वाली हमारी होगी बेटर, ठीक है, एब्जॉर्बर ऑफ हीट, और ये हो जाएगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, शिनी वाइट सरफेस, ठीक है, ये होगी बेटर, ठीक है, रिफ्लेक्टर, ये बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ हीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये स्टूडेंट कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, और कितने बचे अभी, बस इतना ही तो बची। चलिए अब स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, इसमें क्या है आपका। तो पहला क्या, देखिए, कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क।
ठीक है, चूंकि चम्मच किसकी है स्टूडेंट्स, स्टील की है, ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगी, ये चम्मच गर्म हो जाएगी। क्यों गर्म हो जाएगी, ये किसके कारण गर्म होगी, ये होगी कंडक्शन के कारण, ठीक है। इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाई, ठीक है, तो अब सॉलिड में क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन, इसमें भी कंडक्शन आएगा, ठीक है। फिर सी में क्या है, द टू एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स ऑफ हीट आर, ठीक है, तब कोई भी हम दे सकते, प्लास्टिक भी हो सकती, ठीक है, वुड भी हो सकती, तो प्लास्टिक और वुड हो गए। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीदर्स एंड फर्स कीप बर्ड्स एंड एनिमल्स वार्म ड्यूरिंग कोल्ड वेदर बिकॉज़ दे हैव, ठीक है, एयर क्या करते हैं, ट्रैप्ड हो जाती है इन देम, ठीक है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डिग्री, ठीक है, या टेम्परेचर, ये हो जाएगा बाय द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद है टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, CELSIUS, सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई आ, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम उसको नहीं नाप सकते, बाई अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई द प्रोसेस ऑफ, नो मीडियम, अच्छा तो नो मीडियम, रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इन लिक्विड एंड गैसेज हीट इज ट्रांसफर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है, इसमें आएगा स्टूडेंट्स कन्वेक्शन, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, बस दो चार और बचे हैं स्टूडेंट। देखिए 70 क्या है, द कन्वेक्शन करंट इन एयर ट्रांसफर हीट अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस लीड टू द ब्लोइंग ऑफ सी ब्रीज इन कोस्टल एरियाज, ठीक है, तो डे टाइम में होता है स्टूडेंट्स ये, ठीक है, एक तो डे टाइम में होता है और दूसरा क्या है, बी लैंड हॉट एंड सी कूल, तो डे टाइम में क्या होता है, जो लैंड है वो ज्यादा गर्म हो जाती है और सी जो है वो ठंडा रहता है, ठीक है, तो बी और सी जिसमें होगा, तो ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। द हॉट ऑब्जेक्ट विच कैन ट्रांसफर हीट बाई रेडिएशन आर, ठीक है, तो ये तीनों हो सकती है, लिक्विड गैसेज एंड सॉलिड्स। द हॉट ऑब्जेक्ट विच कैन ट्रांसफर हीट बाई रेडिएशन आर, ठीक है। 73 द इनविजिबल रेज विच ट्रांसफर हीट बाई रेडिएशन आर कॉल्ड, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इंफ्रारेड होती है, ठीक है, ये कौन सी रेड होती है, इंफ्रारेड होती है, ठीक है। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज, ठीक है, अस ऑन द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है, द प्रोसेस विच कैन ट्रांसफर हीट थ्रू द वैक्यूम एज वेल एज एयर इज रेडिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आपके, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें हो